हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट मनी टीचिंग। क्या आपको भी इंडिपेंडेंटली एनालिसिस करने में प्रॉब्लम आती है? क्या आपको एवरी सिंगल वीक किसी ना किसी फोरकास्ट वीडियो को देखने की जरूरत पड़ती है एनालिसिस करने के लिए? तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि आप खुद से इंडिपेंडेंटली नए वीक की तैयारी कैसे कर सकते हैं और इंडिपेंडेंट ट्रेडर कैसे बन सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने की पहली स्टेप होती है लर्निंग। पहले आपको खुद सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम ट्रेड करते हैं, किस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर देखा जाता है, किस तरीके से मार्केट बिहेवियर को अंडरस्टैंड करके ट्रेड लगाई जाती है। ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आपको ट्रेडिंग अच्छे से आएगी और तभी आप इंडिपेंडेंटली एनालिसिस खुद से कर पाएंगे। तो अभी मैं आपको कुछ करेंसी पेयर्स का एनालिसिस दिखाऊंगी और बताऊंगी कि किस तरीके से आप पहले से ही रेडी हो सकते हो नए वीक के लिए। ओके गाइस, तो हमारी पहली करेंसी पेयर है यूरो यूएसडी। तो यूरो यूएसडी में अगर हम हायर टाइम फ्रेम देखें, तो लेट्स गो इन वीकली टाइम फ्रेम फर्स्ट। तो मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट किया था, ओके यहाँ से मार्केट ने अप ट्रेंड करना स्टार्ट कर दिया था वीकली टाइम फ्रेम में। वाई? क्योंकि यहाँ पे हमारे कुछ इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट में चेंजेस आए थे यूएस डॉलर के, इसलिए मार्केट तेजी से ऊपर जाने लग गया। तो मार्केट की डायरेक्शन अप ट्रेंड चेंज हो गई। डेली के हिसाब से भी अगर हम देखें तो डायरेक्शन अप ट्रेंड थी, बट अभी करंट में क्या हो रहा है, नीचे की तरफ मार्केट ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पे हम जूम करते हैं, यहाँ पे देखो ये हाई है, इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक कौन सा है, दिस वन, जो कि हमारा एज ए इंड्यूसमेंट वर्क करेगा। और ये जो हाई है उसने इंड्यूसमेंट को ग्रैब कर लिया है। तो ये हाई बन गया वैलिड हाई, एंड फिर यहाँ पे ये लो बना और इसने इस हाई को ऊपर ब्रेक किया और बहुत अच्छा ब्रेक किया है। कैंडल क्लोज हो रहा है, वैलिड ब्रेक हुआ है, ये लो वैलिड हाई को ब्रेक कर रहा है, तो ये बन जाएगा वैलिड लो। अभी मार्केट ने क्या किया है, हमारा जो वैलिड लो है डेली टाइम फ्रेम का, उसको ही ब्रेक कर दिया है, तो इट विल बी अवर मेजर सीएच। तो सीएच, तो मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए डाउन जा सकता है। ये जो हाई है इसने क्या किया है, एक वैलिड लो को ब्रेक किया है नीचे की तरफ, तो ये हाई वैलिड लो को ब्रेक कर रहा है, तो ये वैलिड हाई बन जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर यहाँ पे देखो ये लो बना, अब इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक कौन सा था, यहाँ पे देखिए ये लो है, इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक है दिस वन, तो इट्स अ वैलिड पुल बैक, तो ये हमारा आईडीएम की तरह वर्क करेगा। अभी मार्केट ने हमारे इंड्यूसमेंट को स्वीप कर दिया है, ग्रैब कर लिया है, तो इंड्यूसमेंट ग्रैब हो गया है, तो वी कैन मार्क अवर जोन। तो हमने डेली टाइम फ्रेम के एरियाज मार्क किए थे, तो एक होता है इंड्यूसमेंट से पहले का ऑर्डर ब्लॉक, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, तो ये हमारा इंड्यूसमेंट है, तो इससे पहले का हमें यहाँ पे ये सब मिटिगेटेड है ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे ये जो बैरिश कैंडल है इसके पास एक इम्बैलेंस अवेलेबल है, तो ये हमारा इंड्यूसमेंट से पहले का ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। और एक्सट्रीम पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, तो यहाँ पे एक्सट्रीम पे ये वाली बैरिश कैंडल जिसके पास इम्बैलेंस अवेलेबल है। अभी यहाँ पे हुआ क्या है, देखिए मार्केट ने हमारे जो इंड्यूसमेंट है उसको स्वीप किया है, डेली टाइम फ्रेम का इंड्यूसमेंट स्वीप हो रहा है, लिक्विडिटी स्वीप जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप के बेस पे मार्केट डाउन भी कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, डेली टाइम फ्रेम का जो इंड्यूसमेंट है वो स्वीप किया मार्केट ने, स्वीप मतलब यहाँ पे जो शेडो है कैंडल की वो ग्रैब कर रही है आईडीएम को, कैंडल क्लोज नहीं हो रहा आईडीएम के ऊपर, तो यहाँ पे स्वीप करते ही लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन भी मिली, लेट्स गो इन 4 आवर टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे देखो जैसे ही मार्केट में आईडीएम स्वीप हुआ, आईडीएम स्वीप करते ही 4 आवर में यहाँ पे हमें सीएच और सीएस देखने को मिला है। यहाँ पे देखिए ये हाई है, इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक है ये वाला, और उसका लो नीचे ब्रेक हुआ है, और बहुत अच्छा ब्रेक हुआ है, मार्केट बहुत तेजी से नीचे गया है। तो ये दिखा रहा है कि मार्केट यहाँ से भी डाउन जा सकता है। तो हमने 4 आवर का ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था, यहाँ पे हम डायरेक्ट ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, वैसे तो लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, नीचे सीएच और सीएच मिला है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड प्लेस की जा सकती है, बट यहाँ पे क्या होगा, रिस्क ज्यादा आएगा, इसी प्लेस ट्रेड है ना, तो यहाँ पे हमारा रिस्क 25 ऑलमोस्ट 26 आ रहा है। तो अगर आपका अकाउंट बड़ा है और आप इतना बड़ा रिस्क लगा सकते हो, तो यू कैन टेक इट दिस ट्रेड। सिंपली जो आपका एसएल है वो आपके रिस्क में आना चाहिए, आपका अकाउंट के 1% 2% के अंदर आना चाहिए, अगर वो आ रहा है तो आप यहाँ पे भी डायरेक्ट ट्रेड प्लेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंपली आपका ट्रेडिंग जो प्लान है वो फॉलो होना चाहिए, बट अगर
यहाँ पे रिस्क ज्यादा है, आपके अकाउंट में नहीं आ रहा, 25 आप पिप्स नहीं लगा सकते और आप कम रिस्क करना चाहते हो, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम कन्फर्मेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मार्केट आ ही रहा है, ऑलमोस्ट पहुंच चुका है, बट अभी भी मार्केट ने रिटेस्ट नहीं किया, अच्छे से टैप नहीं किया है हमारे ऑर्डर ब्लॉक पे, तो हमें उसका वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें हमारे इस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट को आने का वेट करना है, और मार्केट जैसे ही हमारे इस हॉबी पे आता है हमें यहाँ पे कंफर्मेशन लेना होगा। तो जैसे कि लिक्विडिटी स्वीप है, तो यहाँ पे सिर्फ सीए तो सीएच हम ले रहे हैं कंफर्मेशन में, तो वो बेटर रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हमें अच्छे से सीएच सीएच का वेट करना है, मेक श्योर 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें देखने को मिले, वो ज्यादा अच्छे से वर्क करेगा। ओके, तो कंफर्मेशन लेनी है, अगर कंफर्मेशन मिलती है तो हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक देख करके। ओके, बट हमें उसके लिए वेट करना पड़ेगा अच्छे से कंफर्मेशन मिलने के लिए। ओके, तो ये है यूरो यूएसडी का एनालिसिस, इसका फॉलो अप करेंगे हम टेलीग्राम चैनल पे। ओके, मेक श्योर आप उसमें ज्वाइन हो। तो नेक्स्ट करेंसी पेयर है यूरो जेपीवाई। यूरो जेपीवाई में अगर हम हायर टाइम फ्रेम का देखें तो मार्केट अप ट्रेंड है ऑल ओवर। अगर आप वीकली देखते हो मार्केट पूरा अप ट्रेंड कर रहा है। ओके, और अगर हम डेली टाइम फ्रेम देखें तो वहां पे भी मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड ही है। ओके, तो हम यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम अप ट्रेंड है, डेली टाइम फ्रेम अप ट्रेंड है, और 4 आवर टाइम फ्रेम भी अप ट्रेंड ही है, तो मार्केट की डायरेक्शन ओवरऑल अप ट्रेंड है। ओके, अभी यहाँ पे करंट में क्या हुआ था, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हाईएस्ट हाई कौन सा है, यहाँ पे देखो ये वाला है, तो इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक हमारा इंड्यूसमेंट होगा। तो लेट मी जूम हियर टू मार्केट अप। तो यहाँ पे देखो ये हाई है, तो इससे पहले का वैलिड पुल बैक यहाँ पे देखो क्लियरली ये वाला है। ओके, तो इसका लो हो जाएगा इंड्यूसमेंट। ओके, और आप देखोगे तो ये वाला जो हाई है इसने ग्रैब कर लिया इंड्यूसमेंट को और मार्केट नीचे आया फिर उसके बाद, तो यहाँ पे ये वैलिड हाई में कन्वर्ट हो गया। ओके, फिर यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे मार्केट ऊपर भी गया, रिटेस्ट किया, वापस से नीचे आया, सिंपली वहां पे वापस से हाई ब्रेक नहीं हुआ है। ओके, और यहाँ पे फिर मार्केट ने ये वाला लो बनाया, एंड आफ्टर दैट लो मार्केट फिर ऊपर गया और मार्केट ने फिर ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ इस हाई को। ओके, यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हुई थी, फिर उसको ब्रेक किया ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे देखिए, ये इस लो ने वैलिड हाई को ब्रेक किया है ऊपर की तरफ, तो ये लो बन जाएगा वैलिड लो। ओके, फिर यहाँ पे ये हाई बना और इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक है दिस वन, विच इज गोना बी इंड्यूसमेंट। यहाँ पे बीच में भी बन रहे होंगे इंड्यूसमेंट, यहाँ पे है अंदर इंड्यूसमेंट बट वो माइनर होगा, मैंने मेजर वाला मार्क कर रखा है। ओके, अभी हम एरिया मार्क करें तो 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम एरिया मार्क करें तो यहाँ पे हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। तो देखिए, तो यहाँ पे देखो एक्सट्रीम पे हमारा ये क्लियर ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। ओके, ये वाली कैंडलस्टिक ने प्रीवियस कैंडलस्टिक के लोस को ग्रैब किया, लिक्विडिटी ग्रैब किया और उसके पास इम्बैलेंस भी है। ओके, यहाँ पे देखिए दिस वन, तो ये हमारा एक्सट्रीम हॉबी हो गया, और जो मार्केट है वो इस हॉबी पे ऑलरेडी आ चुका है, और यहाँ पे आकर के मार्केट ने बहुत ज्यादा लिक्विडिटी ग्रैबिंग करी है, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया है। यहाँ पे देखिए मार्केट ने टैप किया और अभी मार्केट ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे जो ये फॉर्मेशन बन रही है ना, लाइक यहाँ पे देखो बहुत सारी लिक्विडिटी क्रिएट हुई, मैं यहाँ पे जूम करती हूँ। ओके, यहाँ पे देखो बहुत सारी लिक्विडिटी क्रिएट हुई है, ये सब लिक्विडिटी का पार्ट है। ओके, ये जितने भी लोज है ना वो सब लिक्विडिटी है। ओके, मार्केट ने उसे ग्रैब किया, उसके बाद मार्केट ऊपर ब्रेक कर रहा है। अगर आपको स्मार्ट मनी एल्गोरिदम पता है तो ये आपको समझ आएगा। ओके, तो यहाँ पे इसको हम अक्यूमुलेशन भी बुलाते हैं। अक्यूमुलेशन मतलब बहुत सारी लिक्विडिटी क्रिएट करना बायर्स की, एंड फिर उनको मैनिपुलेट करना, एंड फिर वापस से उसी डायरेक्शन में जाना। तो यहाँ पे लिक्विडिटी मैनिपुलेट हुई और मार्केट अभी ऊपर ब्रेक भी कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम में इतना अच्छे से यहाँ पे स्ट्रक्चर रेडी हो रहा है, तो लुक्स लाइक मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए ऊपर जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो हमें अच्छे से वेट करके वी कैन गेट अ स्विंग अपॉर्चुनिटी, लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है। ओके, अभी जैसे ही मार्केट ने ये लिक्विडिटी स्वीप किया, ग्रैब किया और यहाँ पे मार्केट देखो हमारे एरिया में आ गया, इस एरिया में आते ही मार्केट ने ऊपर ब्रेक देना स्टार्ट कर दिया है, लेट्स गो इन 1 आवर टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे देखिए सीएच ओ सीएच मिला। ओके, मार्केट ने हमारे ऑबी में टैप किया, 1 आवर में यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर मिला, उसके बाद यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी मिली थी। ओके, जो कि आई थिंक अभी मैंने मार्क किया ऑबी, तो ये तो मिस हो चुकी है, बट स्टिल
यहाँ पे देखो ये हाई बना था, इससे प्रीवियस वैलिड पुलबैक हमारा इंड्यूसमेंट होगा, तो यहाँ पे मैंने माइनर जो पुलबैक हुआ है ना उसको इंड्यूसमेंट मार्क कर रखा है, हम ये जो मेजर वाला है उसको भी मार्क कर सकते हैं ओके। और यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था ये वाला एक्सट्रीम पे, ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, इसके नीचे और कोई ऑर्डर ब्लॉक ऑलमोस्ट नहीं है। तो यहाँ पे मार्केट ने इस एरिया में टैप किया और यहाँ से मार्केट फिर कंटिन्यूस ऊपर गया ओके, फिर रुका नहीं मार्केट, फिर ऊपर चले गया, ऊपर ब्रेक कर दिया। तो अभी देखो ये हाई है, वैलिड हाई है क्योंकि ये इंड्यूसमेंट ग्रैब कर रहा है ओके। ये लो बना और इसने ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है इस वैलिड हाई को, तो ये बन गया वैलिड लो ओके। तो हमें हमारा वैलिड लो मिल चुका है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, वैलिड हाई बनने का वेट करना पड़ेगा। जैसे स्ट्रक्चर मैपिंग जो यूट्यूब पे वीडियो अभी भी गया है उस पर मैंने एक्सप्लेन किया ये ओके, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे वैलिड लो बन चुका है, वी नीड टू वेट फॉर वैलिड हाई ओके। अभी यहाँ पे कोई वैलिड हाई बना नहीं है, कोई इंड्यूसमेंट ग्रैब नहीं हो रहा है ओके। तो यहाँ पे अभी इंड्यूसमेंट कौन सा होगा, लेट्स मार्केट। तो सबसे हाईएस्ट हाई हमें देखना होगा, तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट हाई यही वाला है ओके, दिस वन, ये जो कैंडल है ये सबसे हाईएस्ट हाई बना रही है। तो इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक यहाँ पे देखो ये वाला, नो इट्स नॉट अ वैलिड पुल बैक, वाई लेट मी एक्सप्लेन। तो यहाँ पे देखो ये बुलिश कैंडल है, तो इसका हाई सबसे हाईएस्ट है ओके, तो इसका जो लो है वो ग्रैब होना चाहिए, इसका सिक्योर लो ग्रैब नहीं हुआ है, तो इट्स नॉट अ वैलिड पुल बैक ओके, इट्स अ इनवैलिड पुल बैक। तो हमें उससे पहले देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, दिस वन इज ऑल्सो नॉट वैलिड ओके। तो सिंपली इंड्यूसमेंट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये जो भी पुल बैक हुआ है ना इसका लो ही बन जाएगा इंड्यूसमेंट ओके। तो क्या हो सकता है, मार्केट शायद और ऊपर जाए और इंड्यूसमेंट क्रिएट करे, बट यहाँ पे तो अभी ये वाला लो है वो इंड्यूसमेंट की तरह वर्क करेगा ओके। सो ये हो जाएगा हमारा आईडीएम। तो अभी तो स्ट्रक्चर हमें पूरा बनने का वेट करना है, यहाँ पे अभी 1 आवर में सिर्फ वैलिड लो कंफर्म हुआ है, वी नीड टू वेट फॉर वैलिड हाई, देन वी कैन मेक एसओबी, फिर हम पीयूआई बना सकते हैं और फिर लोअर टाइम फ्रेम कन्फर्मेशन देख करके अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। यूरो जेपीवाई का ये एनालिसिस मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज इट्स नॉट शॉर्ट टर्म ओके। यहाँ पे जो हायर टाइम फ्रेम में जो स्ट्रक्चर रेडी हो रहा है वो लॉन्ग टर्म डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, मार्केट कैन गो अप फॉर लॉन्ग टर्म ओके। यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया है मार्केट ने, लिक्विडिटी ग्रैब करी है और मार्केट अब ऊपर ब्रेक कर रहा है, तो देर इज चांस कि मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए ऊपर जा सकता है। तो हमें यहाँ पे अच्छे से वेट करना पड़ेगा, अच्छे से कंफर्मेशन लेनी होगी। तो अभी तो मार्केट स्ट्रक्चर ही रेडी कर रहा है, यहाँ पे अभी स्ट्रक्चर ही अच्छे से रेडी नहीं हुआ है, तो हमें उसका वेट करना है, उसके बाद ही हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मेक श्योर आप भी इस करेंसी पेयर पे फोकस करें। तो ये है यूरो जेपीवाई का एनालिसिस, लेट्स सी मार्केट यहाँ पे क्या करता है, और अगर यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होता है तो उसके बेस पे भी अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है, बट स्टिल यहाँ पे अभी कुछ भी ऐसा नहीं है, तो हमें वेट करना पड़ेगा, फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं अपॉर्चुनिटी ओके। एयूडी कैड, एयूडी कैड बेस्ट ऑन लिक्विडिटी स्वीप है ओके। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे लास्ट वीक, नॉट लास्ट वीक, पहले से ही लो स्वीप हुआ था यहाँ पे ओके। यहाँ पे देखो वीकली टाइम फ्रेम का ये लो है, स्वीप हो रहा है ओके, और मार्केट अभी तक इसको ग्रैब नहीं किया है, मतलब यहाँ पे भी स्वीप ही है, वो मार्केट यहीं पे टाइम स्पेंड करे जा रहा है, तो इसके ऊपर जाने के चांसेस है अभी भी ओके। तो यहाँ पे स्वीप हुआ है तो मार्केट ऊपर जा सकता है, उसके बेस पे यहाँ पे कंफर्मेशन भी मिल रहा है लोअर टाइम फ्रेम में, तो लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं ओके, लेट्स सी इन लोअर टाइम फ्रेम। तो जैसे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है ना यहाँ पे ऊपर की तरफ चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला था ओके, क्लियर चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ये लो है, इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक, वैसे तो ये है, ये वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा ओके, दिस वन इज फर्स्ट पुल बैक, वो तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में आएगा ओके। तो लिक्विडिटी स्वीप हुआ है हायर टाइम फ्रेम में और 4 आवर में यहाँ पे कंफर्मेशन भी मिल रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते तो कौन सा ऑर्डर ब्लॉक होता, आई थिंक दिस वन या ये वाला भी होगा ओके, इससे पहले का ऑलरेडी मिटिगेटेड है। तो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट आया है वहां पे, तो मार्केट ने उसके लो को स्वीप किया है ओके। जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है 4 आवर का उसको भी मार्केट ने स्वीप किया है, और यहाँ से मार्केट ने वापस से ऊपर CHOCS दिया है, तो यहाँ पे मार्केट आ आ करके बार बार ऊपर ही ब्रेक कर रहा है, तो इट्स एन इंडिकेशन मार्केट जा सकता है ऊपर ओके। बट यहाँ पे जैसे कि हम सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप के बेस पे अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये होगी शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मार्केट डायरेक्शन हम नहीं ले रहे हैं इसके अंदर, इट्स अ ओनली लिक्विडिटी स्वीप बेस्ड अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज है फॉर इंटरडे, ऑलमोस्ट 1:5, 1:3 ऑलमोस्ट वी कैन गेट ओके। तो यहाँ पे मार्केट देखो इसको स्वीप करके वापस से ऊपर
चेंज ऑफ करेक्टर दिया, तो हम 1 आवर में चले। तो यहाँ पे देखो 1 आवर में भी सी एच होगा, ऑफकोर्स 4 आवर में हो रहा है तो 1 आवर में भी होगा। ओके, तो यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर मिला है तो हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 आवर का एक्सट्रीम अभी हमें मार्क करना होगा। तो यहाँ पे देखो ये सब मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे सिर्फ ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाली बेरिश कैंडल जो कि अनमिटिगेटेड है। ओके, इसके पास इम्बेलेंस था। अभी आप देखो तो मार्केट यहाँ पे आ चुका है, जो हमारा 1 आवर का एक्सट्रीम हॉबी है, मार्केट वहां पे ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पे अभी हम वापस से कंफर्मेशन ले सकते हैं 15 मिनट में, और शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी गेट कर सकते हैं, लेट्स गो इन 15 मिनट टाइम फ्रेम। सो यहाँ पे देखिए मार्केट ऑलमोस्ट टैप कर चुका है ऑर्डर ब्लॉक में। ओके, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ अभी अच्छे से कोई ब्रेक नहीं मिला है, कैंडल क्लोज हो रहा है, आई कांट से इट, कैंडल क्लोज नहीं हो रहा। ओके, यहाँ पे बट बहुत छोटा सा कैंडल क्लोज हो रहा है, ज्यादातर बहुत लाइक शेडो ही बन रही है, इफ यू नोटिस इट। और आप देखोगे तो यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक भी अवेलेबल नहीं है, सब मिटिगेट हो करके मार्केट जा रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे और कंफर्मेशन दे, मार्केट नीचे आए, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक पे आप देखो तो मार्केट ने अच्छे से टैप नहीं किया, बस उसको टच करके चले गया है। तो हो सकता है यहाँ पे वो फोमो क्रिएट कर रहा हो, सिंपली लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा हो लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, बाद में नीचे आकर के वापस से ऊपर जाए। तो यहाँ पे हमें अभी 15 मिनट में कंफर्मेशन अच्छे से मिलने का वेट करना पड़ेगा। ओके, और टेलीग्राम पे मैं बताती रहूंगी जो भी इस करेंसी पेयर में होगा। ओके, लास्ट करेंसी पेयर है गोल्ड। ओके, तो गोल्ड में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए गोल्ड में जैसे कि हमने नोटिस किया था कि यहाँ पे मार्केट जो है वो डेली के एक एरिया में आ चुका है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे ऑलरेडी है। डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर था अप ट्रेंड। ओके, और यहाँ पे हमने ये स्ट्रक्चर मार्किंग किया था, तो ये हाई इसने अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक इंड्यूसमेंट को ग्रैब किया है, और इस लो ने इस हाई को ब्रेक कर दिया है। तो ये हाई वैलिड हाई है क्योंकि इंड्यूसमेंट ग्रैब कर रहा है, तो ये लो बन गया वैलिड लो। फिर यहाँ पे ये हाई बना था और इसने भी अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक इंड्यूसमेंट को ग्रैब किया था, मार्केट कंटिन्यूस नीचे आया, और अभी डेली का जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है ना वहां पे पहुंच गया। ओके, और वहां से मार्केट तेजी से ऊपर गया, और अभी मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया है। तो मार्केट इज ऑल ओवर अप ट्रेंड। अभी हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल चुका है, तो हम 4 आवर में एरियाज मार्किंग कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट इज गोइंग बिग अप ट्रेंड राइट नाउ। तो अगर हम यहाँ पे मार्किंग करें, तो यहाँ पे पहले हमें इंड्यूसमेंट देखना होगा। तो हमारा करंट हाई है ये वाला, तो इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक, तो इससे प्रीवियस अगर हम वैलिड पुल बैक देखें, तो यहाँ पे देखो दिस वन, ये जो बुलिश कैंडल है इसका देखिए और लो ग्रैब हो रहा है, स्वीप हो रहा है, तो इट्स अ वैलिड पुल बैक। तो अभी अगर इंड्यूसमेंट ग्रैब होता है तो ही हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं, इंड्यूसमेंट से प्रीवियस वाला, जिसको डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक बोला जाता है। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्लियरली बन रहा है, इसको मैं पीछे करती हूँ। हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जो हमारा लो होता है, वैलिड लो होता है, उसके पास में होता है। नाउ हाउ इट्स अ वैलिड लो, वैलिड लो कैसे हुआ, यहाँ पे 4 आवर में अगर आप देखो ना, तो यहाँ पे देखो ये जो हाई है ना, ये वैलिड हाई है, यहाँ पे ये वैलिड हाई बना हुआ है 4 आवर में, जो कि ऊपर ब्रेक हुआ है। तो ये लो है वो वैलिड हाई को ब्रेक कर रहा है, लाइक मार्केट मेजर सीएचओसीएस दे रहा है, तो ये लो ऑटोमेटिकली वैलिड लो में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि ये वैलिड हाई को ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है वैलिड लो के पास में होता है, तो यहाँ पे क्लियर ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, तो ये तो हो जाएगा हमारा एक्सट्रीम हॉबी। ओके, आईडीएम से प्रीवियस जो ऑर्डर ब्लॉक है वो तभी बनाएंगे जब आईडीएम ग्रैब होगा तो अच्छा रहेगा। जैसे कि वाई, ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, मान लो हमने आईडीएम से प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक बनाया, जो कि कौन सा बनेगा, अच्छी है। तो आईडीएम से प्रीवियस ओबी, यहाँ पे देखिए ये वाली बुलिश कैंडल, इसने अपने से प्रीवियस कैंडल के लो को ग्रैब कर रखा है और इसके पास इम्बैलेंस है, तो ये हमने ओबी बना दिया। बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी मार्केट अगर ऐसा करे, मान लो मार्केट यहाँ पे नया इंड्यूसमेंट बनाए और नया हाई बना दे, तो चीज क्या होगी, हमारा इंड्यूसमेंट आगे शिफ्ट होता जाएगा और हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो भी आगे शिफ्ट होता जाएगा। तो ये जो आईडीएम और आईडीएम से प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक होता है, डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक, ये बार बार शिफ्ट होता रहता है जब तक आईडीएम ग्रैब नहीं होता। ओके, एक्सट्रीम तो सेम जगह पे रहेगा बट ये आगे शिफ्ट होते रहेंगे। तो आईडीएम जब ग्रैब हो जाए तब हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे, तो वो ज्यादा बेटर रहता है। ओके, नहीं तो फिर हमें आगे शिफ्ट करता रहना पड़ता है और वहां पे कुछ होता भी नहीं है, मार्केट रिटेस्ट करेगा ही नहीं जब तक आईडीएम ग्रैब नहीं होता। ओके, तो ये ऑर्डर ब्लॉक अभी हम हटा सकते हैं, जैसे कि मार्केट अभी सिंगल लेग ही मूव कर रहा है। अभी जैसे कि देखिए
यहाँ पे मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे स्वीप अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है। ओके, तो अगर मार्केट लो स्वीप करता है, इंड्यूसमेंट मान लो इसे इंड्यूसमेंट वहां करके स्वीप किया, तो वी कैन गेट लिक्विडिटी स्वीप अपॉर्चुनिटी है यार, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। तो ऑर्डर ब्लॉक पे रिटेस्ट करना बहुत रेयर होगा, कर भी सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मार्केट ने सीएचओ सीएस दे दिया है तो वो रिटेस्ट भी कर सकता है। ओके, तो वो तो हम डिसाइड नहीं कर सकते क्या होगा, बट हम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सोच सकते हैं, मार्केट जो जैसा कर रहा है उसके हिसाब से सोच सकते हैं कि मार्केट क्या कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे किस किस तरीके से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है मैं बता देती हूँ। अगर मार्केट आईडीएम को स्वीप करता है, लिक्विडिटी स्वीप होता है, तो लिक्विडिटी स्वीप के बेस पे हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ये पहली हो गई। दूसरा है अगर मार्केट हमारे आईडीएम को ग्रैप करता है, मान लो यहाँ पे कैंडल क्लोज कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा था, आईडीएम से प्रीवियस ये वाला मैंने बना रखा था अभी। ओके, और अगर मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक पे आता है, तो यहाँ पे हमें आईडीएम सीएचओ सीएच कंफर्मेशन लेना है, उसके बेस पे अपॉर्चुनिटी देखना है। ओके, और अगर मार्केट यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं देता लोअर टाइम फ्रेम, तो सिंपली मार्केट क्या बोलना चाह रहा है कि वो नीचे आएगा, तो फिर हमें एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे कंफर्मेशन लेना होता है, और अगर यहाँ पे मिलती है तो फिर हम अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो ये तीन तरीके से हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ओके, मार्केट जिस तेजी से ऊपर जा रहा है ना, बहुत तेजी से मार्केट ऊपर जा रहा है, तो वहां पे स्वीप अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती है। जब मार्केट बहुत तेजी से जाता है, कोई रिटेस्ट नहीं करता, तो वहां पे स्वीप अपॉर्चुनिटीज भी हम देख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है गोल्ड में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो, आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक, एंड कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस, लेट्स बिकम 1% टुगेदर।